हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू एजुकेशन डाइस। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम करेंगे हिस्ट्री के हमारे जो 5000 प्रश्नों की सीरीज जो चल रही है उसी का ये नेक्स्ट हमारी ये क्लास है। और इस क्लास में अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ ही साथ रिक्त स्थान वाले भी करेंगे, अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक सभी प्रकार के प्रश्न करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से जो उसमें रखे गए सिलेबस में, वो सारे प्रश्नों का अभ्यास अपन करेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। और पहला आज का हमारा प्रश्न है कि टोडर मल ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। ऑप्शन एक है सैन्य अभियान, ऑप्शन दो है भू राजस्व, ऑप्शन तीन है हास प्रयास और ऑप्शन चार है चित्रकला। आपको अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। बच्चों, टोडरमल जो है ये विशेष करके अकबर के शासन काल में इसने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी थी और इसका विशेष योगदान रहा था भू राजस्व के क्षेत्र में। भूमि से संबंधित जो भी कार्य किए जाते थे, उसकी उसकी माप करना है या राजस्व संग्रहण के लिए जो विभिन्न योजनाएं बनानी है, तो उसमें इसने टोडरमल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो राइट उत्तर रहेगा इसका भू राजस्व। दूसरा प्रश्न दूसरा है स्तंभरारी बंदोबस्त यानी जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं कब लागू हुआ था। ऑप्शन एक है 1765 ईस्वी, ऑप्शन दो है 1784 ईस्वी, ऑप्शन ब यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे हुए हैं, ऑप्शन ये तीसरा आपको माना है 1772 ईस्वी और ऑप्शन द है 1793 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है बच्चों वो राइट आंसर रहेगा 1793 ईस्वी। आपको याद होगा कॉर्नवालिस उस समय बंगाल के गवर्नर थे और इसने बंगाल के जमींदारों के साथ में राजस्व की ये व्यवस्था लागू करी थी। तो राइट आंसर है इसका 1793 ईस्वी। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न है तीसरा कि निम्न में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की। अब देखो जो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये दक्कन बंबई दक्कन में लागू की गई थी और दूसरी जो थी वो स्थायी बंदोबस्त जिसे हम यहाँ पे जो है वो स्तंभरारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, तो ये बंगाल में लागू की गई थी, ध्यान रखना। और ये जो स्तंभरारी बंदोबस्त है ये जमींदारों के साथ जो है ये व्यवस्था की गई थी, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्कन बंबई दक्कन में लागू की थी और ये किसानों के साथ, इसका जो राजस्व संग्रहण करना होता था वो किसानों को जमा करवाना होता था, तो ये व्यवस्था किसानों के साथ करी थी। आपको ये बताना है कि व्यवस्था कब प्रारंभ करी थी। ऑप्शन एक है लॉर्ड कार्नवालिस ने, किसने प्रारंभ करी थी। ऑप्शन ख है थॉमस मुनरो ने, ऑप्शन ग है वॉरेन हेस्टिंग्स ने और ऑप्शन ग है लॉर्ड डलहौजी ने। तो बच्चों राइट उत्तर रहेगा इसका ऑप्शन ख, थॉमस मुनरो 1820 में तत्कालीन मद्रास के गवर्नर जनरल रहे थे थॉमस मुनरो। तो थॉमस मुनरो ने यह व्यवस्था मद्रास में लागू करी थी और इसमें पहले ही मैंने बता दिया कि रेत जो थे, रेत यानी जो किसान थे, किसानों के साथ ये व्यवस्था लागू की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है चौथा, 17वीं सदी में शेष विश्व से भारत आने वाली किन्हीं दो फसलों के नाम लिखिए। तो भारत में एक तो मक्का आया था, एक टमाटर आया था। आप याद रखिएगा मक्का और टमाटर ये भारत में बाहर से आने वाली दो फसलें हैं। पांचवा प्रश्न है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर मुगल काल की बात करें तो जो इतिहास के स्रोत हैं भारतीय और फारसी जो विद्वानों लेखकों के द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उसमें किसानों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग होता था। तो मुगल काल में किसानों के लिए रैयत शब्द का प्रयोग होता था, साथ ही साथ इन्हें रियाया भी कहा जाता था। अगर बहुवचन के रूप में प्रयोग करना होता था तो रियाया कहते थे, मुजरियान भी कहते थे इन्हें। एक ध्यान रखना इससे मिलता जुलता शब्द होता है मुजरिम, तो वो मुजरिम तो जो दोषी व्यक्ति होता है कोई, उसके लिए उसका उपयोग किया जाता है, ये होता था मुजरियान। उसके बाद किसान और साथ ही साथ आसामी भी कहते थे किसानों को। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, रैयत, रियाया, मुजरियान, किसान और आसामी। बच्चों एग्जाम में आने वाले ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में हेल्प होगी। और आने वाले हमारे नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस रहेगी
उसमें हम और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनको शामिल करेंगे। आपके लिए हमने जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के जो विद्यार्थी हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इन सभी के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराते हैं। साथ ही साथ हमने मॉडल पेपर्स बनाए हुए हैं, आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। हमारा ऐप आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको लोगो दिख रहा है, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, जो आपकी प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर विजिट करेंगे तो आपको वहां पे प्रत्येक सब्जेक्ट का कोर्स भी मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कोर्स को जो है वहां पे देख रहे हैं, कोर्स ले रहे हैं, और आप भी अगर देना चाहें तो बहुत ही मिनिमम रेट पे ओनली 99 रुपए में हम आपको कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं। उस कंप्लीट कोर्स में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें हमने जो PDF के रूप में नोट्स अवेलेबल करवाए हैं। नोट्स के बाद में वहाँ पे वीडियोस मिलेगा उसी नोट्स का, उसके बाद आपको वहाँ पे MCQs टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर वहाँ पे आपको जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो मिलते हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी वहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं, और हमने ऑनलाइन टेस्ट की सीरीज भी लॉन्च करी है अलग से, अगर आप लेना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है, छठा प्रश्न है, पायक से आप क्या समझते हैं? पायक, देखो 16वीं और 17वीं शताब्दी में जमीन के बदले में सैनिक सेवा देने वाले लोगों को पायक कहा जाता था। मतलब ये लोग क्या करते थे, राजा महाराजाओं के यहाँ पे सैनिकों के रूप में काम करते थे। तो सैनिकों के रूप में जब काम करते थे तो बदले में उन्हें कुछ जमीन दी जाती थी, और ये जो लोग होते थे जो जमीन के बदले में सैनिक सेवा देते थे वो पायक कहलाते थे, पेमेंट नहीं दिया जाता था उन्हें। अगला है 7वां प्रश्न, सहायक संधि कब और किसके द्वारा तैयार की गई? तो सहायक संधि 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेसली के द्वारा तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन है 8वां, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब और किसने मिलाया? तो अवध को 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। आपको याद होगा लॉर्ड डलहौजी ने एक बात कही थी कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, और वो बात अवध के लिए ही उसने कही थी। और अंततः तो अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगा करके और 1856 में जो वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9वां प्रश्न, रंग बाग यानी प्लेजर गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो नवाब वाजिद अली शाह ने, जो कि अवध के नवाब थे, इन्होंने जो है रंग बाग प्लेजर गार्डन का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है 10वां, दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, यह कथन किस इतिहासकार का है? ये कथन इतिहासकार चंद्रन देव नेसन का है, याद रखिएगा इनका नाम चंद्रन देव नेसन का ये कथन है। 11वां प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था बच्चों, जो तुर्की के बड़े नेता थे, धार्मिक जो नेता थे खलीफा, उन्हें अंग्रेजों ने पद से हटा दिया था, तो उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए, पद पर पुनर्स्थापित करने के लिए ये आंदोलन चला था, खलीफा को पद पर स्थापित करने के लिए, जिन्हें खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और भारत में इसका नेतृत्व जो है वो अली बंधुओं ने किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली, मोहम्मद अली और शौकत अली ने जो है वो इस जो खिलाफत आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है 12वां, अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, यह कथन किसका है? तो बच्चों ये कथन वायसराय लॉर्ड विलिंगटन का है, याद रखिएगा वायसराय लॉर्ड विलिंगटन ने गांधी जी के लिए कथन कहा था। 13वां प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को क्या परामर्श दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, और इन्होंने गांधी जी को सलाह दी थी कि वे एक वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करें। ब्रिटिश भारत से तात्पर्य था बच्चों, उस समय ब्रिटेन का शासन था भारत पर, वो लोग शासन करते थे। तो गांधी जी को कहा गया कि भाई आप एक बार भ्रमण करिए, ताकि इससे क्या होगा कि आपको यहाँ की भूमि और साथ ही साथ यहाँ के लोगों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि इससे पहले गांधी जी अफ्रीका थे, वहां पे उन्होंने एक लंबा समय व्यतीत किया था, और वो यहाँ से पूरी तरह से परिचित नहीं थे भारत से। तो इसीलिए कहा कि भाई आप एक बार भारत की यात्रा करें एक वर्ष तक लगातार पूरे साल तक, ताकि आप पूरे भारत को जान सकें, और उसके बाद आप अपनी जो भी प्लानिंग है उसके हिसाब से आपको कार्य करने में थोड़ा सा सहूलियत रहेगी। तो ये सलाह जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को दी थी। अगला हमारा प्रश्न है 14वां, 16वीं और 17वीं शताब्दी में
गांवों के लोग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित थे। अब देखो, उस समय अगर हम बात करें गांवों की 16वीं 17वीं शताब्दी में, तो गांवों में अलग अलग एक प्रकार से कह सकते हैं कार्य विशिष्टीकरण, मतलब हर लोग जो है ना अपने ही एक विशेष काम को किया करते थे, जैसे कुम्हार, लोहार, सोनार, बढ़ई आदि। ये ग्रामीण दस्तकार अपनी सेवाएं गांव के लोगों को प्रदान करते थे। गांव वाले इन सेवाओं की पूर्ति अलग अलग तरीकों से करते थे। वे या तो इन्हें फसल का एक भाग देते थे या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा। पूर्ति का तरीका संभवतः ग्राम पंचायत के द्वारा तय किया जाता था। तो ये व्यवस्था थी उस जमाने में 16वीं 17वीं शताब्दी में। बच्चों, ये हमने आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए ना। उस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे तो आपको हमारे जितने भी लिंक्स हैं, अलग अलग हमारे जो सोशल मीडिया चैनल के लिंक हैं, हमारे ऐप के लिंक हैं, कोर्सेज के लिंक हैं, प्लेलिस्ट के लिंक हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम के लिंक हैं, वो सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आप नंबर नोट कर लिए, नंबर है 9079622989। आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा। बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक और नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।